प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजबरा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के यूनिट बाय यूनिट हम आपको करा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप वीडियो देखते रहें। 10th क्लास का हम आपको टोटल का टोटल सिलेबस करा देंगे, आप वीडियो देखते रहें। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे मेन क्वेश्चन का समझना होता है, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो शायद आंसर या सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है शंकु का संपूर्ण प्रस्थ 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जरा ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। हम आपको बार बार समझा रहे हैं और प्रत्येक वीडियो में समझा भी चुके हैं। देखिए तो L बराबर 8 cm, cm का मतलब यहाँ सेंटीमीटर है, L आपकी तिरछी ऊंचाई है, R आपको ज्ञात करना है, R आपकी त्रिज्या है। देखिए किसकी, बेलन की, सॉरी शंकु की। अब आप देखिए अपने आंसर या सोल्यूशन में सूत्र आपका क्या है, सूत्र आपका है संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर ब्रैकेट में आपका आर प्लस एल। अब जरा आप ध्यान दें, 330 आपको दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ, पाई का मान 22/7 गुणा आर आपको निकाल के लाना है, ब्रैकेट में देखिए आर आपको निकालना है, प्लस एल आपका 8 दे रखा है। अब जरा आप ध्यान दें, 22 को जब आप इससे काटेंगे तो आपका क्या जाएगा, 15 बार जाएगा, ये 7 उसकी गुणा में पहुँच जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके इस वाले मान के बराबर, इसके अंदर गुणा करूँ तो क्या मिल जाएगा आपको, आर स्क्वायर प्लस 8 आर। अब आप देखिए, आप इसको हमें क्रम में या सीरियल क्रम में रखना होगा या ऑर्डर में रखना होगा, आर स्क्वायर प्लस, देखें आर स्क्वायर प्लस 8 आर माइनस 15/7 105 बराबर किसके जाएगा, 0 के। इसके हमें फैक्टर या गुणनखंड निकालना है, जो हम आपको पिछली वीडियो में करा चुके हैं और समझा चुके हैं। देखिए क्या है, 15/7 105, अगर 15 में से आप 7 निकालेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा पॉजिटिव का, और दोनों की गुणा करेंगे तो आपको 105 मिल जाएगा। यहाँ पर प्लस का आप 15 रखें, माइनस का आप 7 रखें, तो घटाएंगे तो प्लस का 8 आपको मिल जाएगा। एक बार इसको रखेंगे तो आपको माइनस का 15 मिलेगा, एक बार इसको रखेंगे तो आपको प्लस का 7 मिलेगा। अब देखिए आर बराबर, जो पॉजिटिव वाला है वो मान हम ले लेते हैं, निगेटिव वाला छोड़ देते हैं, तो आर बराबर क्या मिला आपको, 7 सेंटीमीटर। हल या सोलूशन करने पर तो आपको आर बराबर 7 सेंटीमीटर मिल गया, ये समझ में आ गया, लेकिन सेंटीमीटर कहाँ से आया। देखिए सेंटीमीटर, अगर आपके क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे रखा है तो आप सेंटीमीटर लिखें, अगर आपके क्वेश्चन में मीटर दे रखा है तो आप मीटर लिखें। वीडियो को बार बार देखते रहें, समझते रहें, वीडियो को आसान व सरल तरीके से समझाया गया है। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है, अगर आपको वीडियो सरल व आसान व सरल लगती है या सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।